फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटो। ये प्रश्न किस किस तरह से आ सकता है? एक तो मॉस्किटो के माउथ पार्ट के से, दूसरा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट। एक्सप्लेन पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, यानी भेदन और चूषण प्रकार के मुखांग, या डिप्टेरियस टाइप माउथ पार्ट, जो डिप्टेरियस इंसेक्ट होते हैं उनमें जो माउथ पार्ट होता है वो किस प्रकार का होता है? पियर्सिंग एंड सकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये है मॉस्किटो, स्पेशली फीमेल मॉस्किटो, क्योंकि मेल जो मॉस्किटो है उसके अंदर ब्लड सक्शन का फंक्शन नहीं होता है, फीमेल जो है वही खून चूसने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम है माउथ पार्ट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। हेड जो होता है, जो भी इंसेक्ट है उसका बॉडी पार्ट तीन भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये हेड वाला पार्ट शो किया गया है और उनमें कंपाउंड आईज होती है, तो कंपाउंड आईज है और एक जोड़ी एंटेना, एक जोड़ी एंटेना। अब हम शुरू करते हैं माउथ पार्ट। हेड का जो क्लाइपियस वाला पार्ट होता है, इस क्लाइपियस वाले पार्ट में यहाँ पर आप ये लंबी लंबे जो संरचना देख रहे हैं ये सिक्स स्टाइलेट्स है, सिक्स स्टाइलेट्स, नाम अभी मैं बताऊंगी। और ये जो सिक्स स्टाइलेट्स हैं ये प्रोबोसस, सेंटर वाला जो ये डायग्राम है ये है, ये जो डायग्राम है ये है लेबियम, लेबियम यानी नॉर्मली हम क्या बोलते हैं लोअर लिप। तो लोअर लिप जो है, यहाँ पर जो लोअर लिप है लेबियम, ये मस्कुलर प्रोबोसस का काम करती है। लोअर लिप जो है यानी लेबियम जो है उसके पृष्ठ सतह पर एक खांच होती है और उस खांच के अंदर ये सारे जो स्टाइलेट्स हैं उस खांच के अंदर फिट रहते हैं। जब फंक्शन करना होता है, खून चूसना होता है, तो ये बाहर आ जाते हैं। अदरवाइज ये सारे जो स्टाइलेट्स हैं ये इस लेबियम के डॉर्सल साइड में जो खांच है उस खांच में रहते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं सबसे पहले अपर लिप, अपर लिप लेब्रम, लेब्रम ये गुलाबी कलर का जो दिख रहा है ये है लेब्रम, अपर लिप। अपर लिप जो है ये इपीफेरिंक्स के साथ में संयुक्त होकर के बनाता है फूड कैनाल, यानी जो सक्शन करेगा, खून चूसने का जो काम है वो कैनाल है, वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? लेब्रम और एपिफेरिंक्स संयुक्त रूप से फूड कैनाल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? सक्शन ऑफ ब्लड, खून चूसने का काम अपर लिप यानी लेब्रम प्लस एपिफेरिंक्स के द्वारा एक फूड कैनाल बनाई जाती है। फिर हम लेते हैं लोअर लिप, जो कि मैंने बताया सेंटर में लेबियम, लेबियम मस्कुलर प्रोबोसिस की तरह कार्य करती है। लेब्रम जो है इसके पृष्ठ सतह पर यहाँ पर ये खांच है और इस खांच के अंदर इंक्लोजर सिक्स स्टाइलेट्स। अब सिक्स स्टाइलेट्स कौन से हैं? दो, एक जोड़ी मैक्सिला, एक जोड़ी मैंडिबल, एक लेब्रम और एपिफेरिंक्स और एक हाइपोफेरिंक्स। तो कितने हो गए? छह, दो दो चार, एक पांच और एक हाइपोफेरिंक्स, छह। तो ये छहों के छहों जो स्टाइलेट्स है ये लेबियम का जो ये वाला पार्ट है सेंटर वाला डॉर्सल वाला जो खांच है इस खांच में रहते हैं। तो ये हो गया लेबियम, लोअर लिप मस्कुलर प्रोबोसिस की तरह कार्य कर रही है, विच इंक्लोजेस सिक्स स्टाइलेट्स। अब हम लोअर लिप के दोनों साइड में, लोअर लिप के दोनों साइड में ये जो ब्लू कलर के बताए गए हैं ये है मैक्सिला, अ पेयर ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला एक जोड़ी। ठीक है, और मैक्सिला का जो ये किनारे वाला भाग है, यहाँ ये मैक्सिला का किनारे वाला भाग है ये आरी के जैसा होता है, इसके जैसा होता है आरी के जैसा। और ये जो इसके दोनों साइड में यहाँ जो बताए गए हैं ये क्या है? मैंडिबल। और मैंडिबल का जो किनारे वाला भाग होता है ये ब्लेड के जैसा होता है। तो आरी और ब्लेड इनका क्या काम होता है? काटने का। तो मैक्सिला और मैंडिबल का यहाँ क्या काम है? दोनों ही निडल शेप के हैं, सुई के जैसे हैं, और दोनों में ही जो एंड पॉइंट है मैंडिबल में एंड पॉइंट ब्लेड के जैसा है, मैक्सिला में एंड पॉइंट आरी के जैसा है, यानी त्वचा को भेदने का कार्य करते हैं। हमारा खून पिएंगे तो उसको भेदेंगे ना, तो भेदने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मैक्सिला और मैंडिबल के द्वारा। शेप कैसी होती है इनकी? निडल के जैसी होती है। और इनका फंक्शन है पियर्सिंग द स्किन, भेदने का कार्य मैक्सिला एंड मैंडिबल के द्वारा। यहाँ इस साइड में है हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स सामान्यतः हम टंग जो होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोफेरिंक्स, यानी हाइपोफेरिंक्स जीभ की तरह कार्य करती है। यहाँ हाइपोफेरिंक्स जो है मच्छर के अंदर, फीमेल मस्कुलेटे के अंदर, इसमें सेंटर में सलाइवरी कैनाल होती है, लार
ग्रंथि होती है, लार कैनाल होती है। तो लार कैनाल है तो हाइपोफेरिक्स क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। सलाइवा सिक्रीट करती है और इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? एंटी कॉगुलेंट, यानी जब बच्चे को खून चूसना होता है मैक्सिला और मैंडिबल की सहायता से उसने भेदन कर दिया त्वचा में, तो खून लगातार चूसता चूसा जाए इसके लिए उसी समय हाइपोफेरिक सलाइवा सिक्रीट करती है जिसमें केमिकल है एंटीकोगुलिन जो रक्त का थक्का नहीं जमने देगा और लगातार ब्लड को सक किया जा सकता है। और हाइपोफेरिक्स की संरचना कैसी है? हाइपोफेरिक्स दो धारी तलवार की जैसी है, डबल साइडेड स्वॉर्ड लाइक, दो धारी तलवार की जैसी है हाइपोफेरिक्स। हाइपोफेरिंक्स में सलाइवरी कैनाल है, सलाइवा सिक्रीशन, और इस तरह से जो है यहाँ पर हम लेते हैं कि मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प पांच खंड होते हैं और मैक्सिलरी पल्प के बाहर की तरफ ये रेशे जैसी संरचना है। तो मैक्सिलरी पल्प क्या है? टैंगो रिसेप्टर, स्पर्श ग्राही। तो इस तरह से ये हो गया फीमेल मॉस्क्यूटो का माउथ पार्ट। अगर आता है पियर्सिंग या सकिंग टाइप माउथ पार्ट तो आप ये एग्जांपल देते हुए बना सकते हैं। अगर आता है डिप्टेरस टाइप तो यहाँ पर एक तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मस्क्यूटो का है, दूसरा जो है आप इसमें डायग्राम में आराम से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट किस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है इजी में वो आपको बताऊंगी। पहले आप एक ट्राइंगल शेप का क्या बना लें, ये हेड बना लें, ठीक है। कंपाउंड आई होती है तो ये कंपाउंड आई, ये कंपाउंड आई बना लें, ठीक है। यहां एंटेना पाया ही जाता है तो पहले आप एंटेना की लाइन बना करके और ये सेगमेंटेड एंटेना बना लें, ये सेगमेंटेड एंटेना हो गया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कहां से? माउथ पार्ट। तो माउथ पार्ट सबसे पहले सेंटर में आप एक लाइन बनाएं। ये जो सेंटर में लाइन बनाई है ये हमने कौन से बनाई है? लोअर लिप यानी लेबियम। लेबियम किसकी तरह कार्य कर रही है? प्रोबोसिस की तरह कार्य कर रही है। तो इसको ये डबल बना दें, ये वो भाग है जिसके अंदर बाकी जो सिक्स टाइलेट्स हैं वो इंक्लोज होंगे। तो ये हमने बना दिया लोअर लिप। अब हम अपर लिप बना दें, पहले यहां इसके साइड में ये अपर लिप डबल कर दें इसको। अपर लिप यानी लेब्रम, लेब्रम प्लस इपीफेरिंक्स। तो लेब्रम प्लस इपीफेरिंक्स फूड कैनाल का कार्य करती है, ठीक है। अब हम जो सिंगल सिंगल है पहले बनाते हाइपोफेरिंक्स। तो यहाँ इस साइड में हमने बना दिया हाइपोफेरिंक्स यानी जो जीभ का काम करेगी, जो सलाइवरी कैनाल का काम करेगी दो धारी तलवार। तो ये क्या हो गई? हाइपोफेरिंक्स। अब हमें क्या बनाना है? एक जोड़ी मैंडिबल और एक जोड़ी मैक्सिला। तो बाहर की साइड में यहाँ पर ये एक जोड़ी हम बना दें मैंडिबल और एक जोड़ी हम बना दें ये मैक्सिला, ये मैक्सिला, ठीक है। अब कौन से संरचना बच गई हमारी? मैक्सिलरी पल्प। तो यहां फाइव सेगमेंट है, तीन या पांच सेगमेंट आप बना सकते हैं, ये हो गया मैक्सिलरी पल्प। बहुत सिंपल है, फटाफट बन गया। अब आपको इसको लेबल करना है। तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।